Okay, so we will be discussing about the machinery first. So we have a topic in our building construction syllabus. So that is the machinery. So machinery we generally classified as the, you can see here. So जो आपका ये जो सॉल्यूशन जो यूज हो रहा है आपका ब्रिक्स को जॉइंट बनाने के लिए, ठीक है, दिस वन. सो ये आपका जो मटेरियल आपको जो यूज होता है, यू विल कॉल इट एज दी मशीनरी, और आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं चिनाई करना, ठीक है. सो इफ आई शो यू दैट हाउ द मशीनरी इज, सो मशीनरी इज पर्टली डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन विच बिल्डिंग यूनिट सच एज आपका जो क्ले ब्रिक्स जो होती है, या आपका सैंड लाइन जो होता है, या ब्रिक्स होती है, या स्टोन्स होती है, या आपका प्री कास्ट हेलो कॉन्क्रीट ब्लॉक्स होते हैं, तो उनको ज्वाइन करने के लिए आप मशीनरी यूज करते हैं, ठीक है. तो वो आपका एक तरह का आपका कंस्ट्रक्शन का आर्ट वर्क है. सो आप उसको एक प्रॉपर शेप दे सके इन सिस्टमेटिकली और बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ होमोजेनियस मास इन सच अ मैनर दैट दे कैन विदस्टैंड पॉइंट टू अदर लॉयड एंड ट्रांसमिट देन द मास विदाउट फेल और डिसइंटीग्रेशन. सो मशीनरी आपका डायरेक्टली यू यू हैव ऑलरेडी सी हियर कि आपका जो मशीनरी है या आपका जो सॉल्यूशन होता है, तो ये आपका किसी चीज से बना सकता है, या आपका सीमेंट का हो सकता है, या आपकी जो जो आर्ट होती है आपकी कंस्ट्रक्शन की, सो यू कॉल इट एज दी मशीनरी. सो आपकी इस मशीनरी वर्क में भी जो चिनाई जिसको बोलते हैं, तो आपकी चिनाई में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी मशीनरी होती है. सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ मशीनरी. सो फर्स्ट इज स्टोन मशीनरी, देन ब्रिक मशीनरी, देन हेलो ब्लॉक कॉन्क्रीट मशीनरी, देन पोस्ट मशीनरी एंड कॉम्पोजिट मशीनरी. सो इन सिलेबस यू हैव ओनली ब्रिक मशीनरी. सो वी विल डिस्कस अबाउट ब्रिक मशीनरी ओनली, एंड फर्दर क्लासिफिकेशन यू शुड नो दैट हाउ डज इट लुक लाइक एंड वट इज दिस. सो वी विल टॉक अबाउट सम स्पेसिफाइड टर्म्स दैट आर यूज इन द मशीनरी. सो बिफोर नोइंग द पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मशीनरी, यू शुड नो सम टर्म्स दैट आर बींग यूज इन द मशीनरी. सो फर्स्ट वी हैव द कोर्स. सो अ कोर्स इज अ हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक स्टोन. सो लेट मी शो यू दैट हाउ डज इट लुक लाइक. सो दिस इज द कोर्स. सो आपका ये ब्रिक्स सब आपकी ये साथ में ये आपकी कंस्ट्रक्ट की हुई है, और ये आपका जो पूरा का पूरा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपका फ्लैट सरफेस है, यू कॉल इट एज द कोर्स. सो नेक्स्ट टर्म आपकी जो आती है दैट इज कॉल्ड द बेड. सो बेड आपका क्या रहेगा, जो इसका जो इनर पार्ट, जो आपका लोअर पार्ट जो रहेगा, नीचे आपका जो नीचे का जो पार्ट है, ये आपकी लाइन जो आपको देख, जहां पे मैं अपना माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ, सो दिस इज यू विल कॉल इट एज दी बेड. सो आपका लोअर पार्ट जो रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल सर्फेस का, यू कॉल इट एज दी बेड. सो हाउ यू डिफाइन इट एज दी सर्फेस ऑफ स्टोन परपेंडिकुलर टू दी लाइन ऑफ प्रेशर और लोअर सर्फेस ऑफ ब्रिक्स और स्टोन इन ईच कोर्स. ओके, सो आपका कोर्स क्या हो गया कि द हॉरिजॉन्टल लेयर आपकी जो है ब्रिक मशीनरी में, दैट विल कॉल इट एज द कोर्स, एंड द लोअर सरफेस ऑफ द कोर्स इज कॉल इट एज द बेड. सो नेक्स्ट वन इज बैक. सो बैक यू कैन कॉल इट एज द आपका जो ये आपकी वॉल है, समझ लो. सो आपका वॉल में जैसे ये है, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि जैसे ये आपका वॉल है, तो ये फ्रंट वॉल जो आगे, ये फ्रंट आ जाएगा आपका, और इसके बैक साइड पे जो इनर साइड है जो वॉल का, यू कॉल इट एज दी बैक. सो इट इज जनरली डिफाइंड एज दी द इनर वॉल ऑफ, इनर सरफेस ऑफ वॉल नॉट एक्सपोज्ड इज कॉल्ड बैक. सो आपका जो एक्सपोज नहीं होता है टुवर्ड्स दी वेदर, सो इट विल कॉल्ड एज दी बैक. एंड फेस विल बी द एक्सटीरियर वॉल ऑफ, एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द वॉल एक्सपोज्ड टू वेदर इज नोन एज दी फेस. सो आपका ये फेस क्या होगा, दिस टोटल आपका ये पूरा का पूरा यू विल कॉल इट एज दी होल एज दी फेस. सो दिस इज दी फेस ऑफ दी वॉल. सो नेक्स्ट वन यू हैव दी हर्टिंग. सो इट इज द इंटीरियर पोर्शन ऑफ अ वॉल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग. सो आपका फेसिंग, दिस वन फेसिंग एंड बैकिंग, इन दोनों के बीच की जो जगह होती है, यू विल कॉल इट एज दी हर्टिंग. सो हर्टिंग का मतलब क्या है कि आपका हर्ट, सो ये आपका ये वॉल का हर्ट है सिंपली, यू कैन कॉल इट एज दी हार्ट. सो आपका फ्रंट, दिस इज फ्रंट एंड बैक, सो इसके बीच में की जो जगह है पूरा, यू कॉल इट एज दी हार्टिंग. नेक्स्ट यू हैव दी हेड. सो हेड यू विल कॉल इट जनरली एज दी
It is a brick or stone which lies with its greater length at right angles to the face of the work. So let me just show you that how does it look like. Yes. So we have the head first, right? So it is the brick or stone which lies with its greater length or right angle to the face of the work. So आपका ये head है, ये this one, we call it the head. So ये आपका bed हो गया, and जो आपका जहाँ पे आपका directly आपका जो construct हो रहा है, we call it as the head. आपका brick का जो side face, we call it as the head. Okay? So ये call it as the head. So आपका directly हो गया head, and then आपका आता है stretcher. सो स्ट्रेचर आपका, अभी मैं इसको आपको इमेज में दिखा देता हूँ. सो आई हैव ऑलरेडी सर्च इट आउट ऑन द वेब, सो यू कैन सी हियर. सो आपका हेड, ये ब्रिक जो है आपकी, ये आपकी ब्रिक है. सो आपकी ब्रिक का ये होगा हेडर. देन यू हैव दी, ओके, देयर इज सम इशू इन द वॉइस. आर यू ऑडिबल नाउ? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? मनीष, ओके. सो वी हैव द फर्दर टॉपिक दैट वी कॉल इट एज द हेडर. सो आपका ये ब्रिक है, सो ब्रिक का दिस पार्ट विल बी नोन एज द हेडर. सो आपका हेडर इस साइड, सॉरी, हेडर आपका ये रहेगा, या तो ये हेडर रहेगा या फिर ये हेडर रहेगा, ठीक है. सो दिस वी कॉल इट इज हेडर, हेडर रहेगा, एंड देन द स्ट्रेचर. सो आपका जो लॉन्गेस्ट पार्ट जो आपका ब्रिक का रहता है, जो फेस आपका रहता है ब्रिक का, यू कॉल इट एज द स्ट्रेचर. और दिस इज कॉल्ड एज द फ्रॉग. सो आपका जो फ्रॉग, पूरा आपने देखा होगा कि कुछ ब्रिक्स में आपकी फ्रॉग अलग अलग टाइप्स की होती है, ठीक है. सो ये आपकी वाइड फ्रॉग है, एक आपकी छोटी सी स्ट्रिप लगी होती है, तो वो फ्रॉग भी अलग दूसरी तरह की है. तो दिस इज द हेडर ऑफ द ब्रिक, स्ट्रेचर ऑफ द ब्रिक, एंड फ्रॉग ऑफ द ब्रिक. सो नेक्स्ट वी हैव द बॉन्ड. सो बॉन्ड क्या चीज है? डायरेक्टली द बॉन्डिंग ऑफ द ब्रिक्स. सो यू कैन कॉल इट एज द मेथड ऑफ अरेंजिंग ब्रिक्स सो दैट द इंडिविजुअल यूनिट्स आर टाइड टुगेदर. सो इफ आई टेल यू अबाउट द बॉन्डिंग, सो यू कैन कॉल इट एज दिस वन. सो आप देख सकते हैं कि सभी के बीच में बॉन्डिंग क्रिएटेड है. ये सभी के सभी आपकी ब्रिक्स हैं, दीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. ओके, सो यू कैन से इट एज द बॉन्डिंग. सो नेक्स्ट वन इज द स्पॉल्स. So spalls you can call it as the strips of stones used for filling the interstices in the stone masonry. So let me just show you first how does it look like. Yes. सो दिस इज द स्पॉल. सो आपके ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, दिस वन, इस तरह के. सो यू विल यूज इट इन द बॉन्डिंग क्राइटेरिया. सो आप ब्रिक्स को बॉन्ड करने पे आप एक छोटे पत्थर आप यूज करते हैं. सो ये आपके चिप्स टाइम होते हैं, चिप्स जैसे होती हैं, चिप्स की तरह होते हैं, ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं. यू यूज इट इन द ब्रिक मशीनरी. देन यू हैव द क्विनेंस. सो क्विनेंस यू कैन कॉल इट एज द स्टोन्स यूज फॉर द कॉर्नर्स ऑफ वॉल्स ऑफ स्ट्रक्चर. सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ डज इट लुक लाइक. सो यू हैव द क्विनेंस. सो क्विनेंस आपका रहता है कि ये आपके जो, ये एक आपका वॉल हो गया, ये सेकेंड फॉल वॉल हो गया, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कॉर्नर्स पे आप ये क्विनेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये इजिली कनेक्ट हो जाए और आपका ये ब्रेकेबल ना हो. सो इन आप अगर रियलिटी में देखें तो यू कैन सी हियर, ये आपका वॉल है, तो आपका कॉर्नर पे आपकी ये क्विनेंस प्रोवाइड की गई है. ओके, सो दीज आर नोन एज द क्विनेंस. Next we have the bat. It is the portion of a brick cut across the width. So how does it look like? Bat, we have the this one. You can call it is the bat also. आपका जो brick होता है वो कहीं से भी cut किया जाएगा उसको bonding बनाने के लिए. जैसे ये cutting है, ये cutting है, ये cutting है, ये cutting है. So you can call it as the bat. So it is generally, it is a portion of a brick cut across the width. नेक्स्ट यू हैव द क्लोजर. सो क्लोजर क्या चीज है? इट इज द पोर्शन ऑफ अ ब्रिक कट इन सच अ मैनर दैट इट्स लॉन्ग सरफेस रिमेन्स अनकट. सो हाउ डज इट लुक लाइक? यू हैव द क्लोजर. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजर्स वी हैव इन ब्रिक मशीनरी.
So in full, this is the full break. You can say it at, say you can see here, and then there is queen closure. So queen closure, you can see this is half one. So queen closure is called as the आपका जो हाफ जो ब्रिक है वो कट किया जाएगा, देन यू कैन यूज इन दी ब्रिक मशीनरी. देन वी हैव द क्वीन क्लोजर क्वार्टर, सो दिस इज द क्वार्टर, यू हैव कट इट आउट इन द क्वार्टर एरिया. देन वी हैव द किंग क्लोजर. सो किंग क्लोजर क्या होगा कि आपका जो हेड की तरफ पे जो आपका जो विड्थ है उसकी हाफ यहाँ पे, हाफ से यहाँ से काटा जाएगा. एंड देन आपकी जो स्ट्रेचर है तो स्ट्रेचर का जो हाफ है वहां तक काटा जाएगा. सो यू कॉल इट एज द किंग क्लोजर. देन वी हैव दी बेवल्ड क्लोजर. सो बेवल्ड क्या रहेगा, आपका जो हेड है वहां से हाफ, एंड देन आपका यहाँ से लेकर पूरा का पूरा आपका कट किया जाएगा स्ट्रेचर को, विल कॉल इट एज दी बेवल्ड क्लोजर. सो आपका ये कॉल इट एज दी बेवल्ड क्लोजर. सो दीज आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द क्लोजर्स वी हैव. देन वी हैव दी लास्ट वन इज मिटरेट क्लोजर. सो मिटरेट क्लोजर भी हैव, आपका पूरा का पूरा ब्रिक आपका अवेलेबल है, बट आपका जो स्ट्रेचर से आपका ये इसका कुछ पोर्शन आपका 45 से 60 डिग्री के एंगल पे आपका ये कट किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज दी मिटरेट क्लोजर. सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ क्लोजर वी हैव इन दी ब्रिक मशीनरी. नाउ आई ऑलरेडी टॉक अबाउट द क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, बेवर्ड क्लोजर. नाउ वी हैव दी फ्रॉग. फ्रॉग वी हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दी फ्रॉग, हाउ डज इट लुक लाइक. सो द अपर पार्ट ऑफ दी ब्रिक यू कैन कॉल इट एज दी फ्रॉग. सो जहां से आपका कट किया जाता है, सो यू कॉल एज दी फ्रॉग. Then we have a sill. So let me show you how the sill is look like. So you can call it as the sill. So sill आपका क्या रहता है कि जब आपकी जो विंडो जो रहती है आपकी, सो विंडो के नीचे आपका जो पानी का जो जब आपका बारिश वगैरह होती है बिल्डिंग में, सो नीचे आपने देखा होगा कि पानी को ड्रेन करने के लिए इजिली, सो वी यूज दी सिल. सो दिस इज दी सिल स्लैब. सो यू कैन डिफाइन इट एज दी, इट इज ए हॉरिजॉन्टल स्टोन कॉन्क्रीट और टाइप ऑफ वुड एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ शेडिंग ऑफ रेन वॉटर फ्रॉम द फेस ऑफ वॉल इमीजिएटली बिलो द विंडो ओपनिंग. सो यू कैन सी हेयर दैट योर विंडो ओपनिंग आपकी ये है और इसका नीचे आपका ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. अगर मैं दूसरी तरफ से दिखाऊं, यू कैन सी हेयर, हेयर इट इज नॉट शोन हेयर, दिस वन यू कैन सी, आपका ये ऊपर आपकी जो खिड़की है, दिस वन यू कैन सी हेयर. तो आपकी ये सिल प्रोवाइड की गई है यहाँ पे, यू कैन सी हियर. तो दिस इज नोन एज दी सिल, ताकि आपका जो पानी है जो रेन वाटर का वो इजिली ड्रेन आउट हो जाए यहाँ से. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दी कोबल. सो कोबल हाउ विल दी, हाउ डज इट लुक लाइक, फर्स्ट आई विल शो यू. सो दिस इज दी कोबल, कोबल यू कैन सी हियर. सो आपका क्या रहता है कि आपका एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल फेज में आपका ब्रिक मशीनरी चल रही है. देन वी हैव सेग्रीगेटेड दी ब्रिक्स इन सच अ मैनर सो दैट यू कैन मेक इट एज दी अ पर्टिकुलर डिजाइन क्राइटेरिया. सो यू कैन सी हियर एज वेल, यू विल कॉल इट एज दी कोबल, दीज आर नोन एज दी कोबल. सो ये एक डिजाइनिंग के लिए दिया जाता है इजिली, यू कैन सी हियर एज वेल, दिस इज दी कोबल. देन दिस वन दिस इज कोबल. ठीक है, सो यू हाउ यू डिफाइन इट, दैट इज द, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ वन और मोर पोर्स ऑफ स्टोन और ब्रिक from the face of a wall to serve as a support for wall plates. So next one we have the templates. So templates we use the pieces of stone that are placed directly under the end of a beam to distribute load over a greater area. So these are the small stones that we use in the building construction. So next we have the coping. So coping you can term it as the, it is the course placed upon the exposed top of external wall to prevent seepage of water. So let me just show you first. Okay. सो आई होप यू आर एबल टू सी. सो यू कैन से दैट जो कॉपिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, यू कॉल इट एज द कॉपिंग. सो आपका कहीं पे ये दिस वन यू कैन सी हियर, सो दिस इज द वॉल और आपका यहाँ पे कॉपिंग किया गया है ताकि आपका जो पानी जो है वो आपका वॉल के अंदर ना जाए डायरेक्टली और उसकी वजह से क्रैक्स डेवलप ना हो आपकी वॉल में. ठीक है, सो वी विल यूज दैट इज द कॉपिंग. सो यू कैन सी हियर एज वेल, ये कॉपिंग है, यू कॉल इट एज द कॉपिंग ऊपर. ये यू कैन सी हेयर एज वेल, दिस इज द कॉपिंग और यू कैन सी हेयर, ये कॉपिंग आपका. तो ये स्लोप कॉपिंग है,
आपका स्लोप में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट वी हैव दी बट्रेस। सो बट्रेस आपका रहता है कि इट इज अ स्लोपिंग और स्टेप्ड मशीनरी प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टॉल वॉल इंटेंडिंग टू स्ट्रेंथन द वॉल अगेंस्ट द थ्रस्ट ऑफ अ रूफ। सो इफ आई शो यू द हाउ डज द बट्रेस लुक लाइक, जस्ट वेट अ मिनट। यस, सो आई होप यू आर एबल टू सी। सो दिस इज द बट्रेस वॉल। तो आप वो क्या है कि वॉल को सपोर्ट करने के लिए यू यूज एज द बट्रेस। सो दिस इज द बट्रेस, और यू कैन सी हियर दिस वन इज ऑल्सो, यू कैन कॉल इट एज बट्रेस। देन वी हैव दिस वन ऑल्सो, आप वॉल को सपोर्ट करने के लिए यू यूज एज द बट्रेस। सो दिस इज द बट्रेस, दिस वन ऑल्सो, दिस इज द बट्रेस। आपने काफी ओल्ड जो बिल्डिंग्स होती है वहां पे आपको मिलेंगी ज्यादातर ये, दिस वन, ये वॉल को सपोर्ट करने के लिए है ताकि ये आपकी गिरे नहीं इन डिफरेंट कंडीशन। सो यू कैन से इट है दिस इज द बट्रेस। ओके, सो नाउ वी हैव द सम डायग्राम दैट यू कैन एबल टू सी दैट हाउ इट लुक लाइक। सो आपका ये मशीनरी वॉल है, ठीक है। सो ये आपके जॉइंट्स, आपके ब्रिक्स को बनाए गए प्रॉपर तरीके से, दे हैव बीन इंटरलेटेड विद ईच अदर एंड इंटरकनेक्टेड। सो वी हैव दी सम काइंड्स ऑफ कोर्सेस, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हैज़र, यू कैन सी इट एज द हेडर कोर्स। सो दिस इज द हेडर कोर्स, देन क्वीन स्ट्रेचर, देन वी हैव स्ट्रेचर कोर्स एंड क्लोजर। क्लोजर आपका मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हेडर बता दिया है, लैप, लैप आपका क्या रहता है कि लैप को इट एज दी जहाँ पे आपका गैप दिखेगा, मतलब आपकी जहाँ पे जो ब्रिक है वो आपकी हाफ भी या कहीं से कहीं आपकी ब्रिक्स कंप्लीटली प्रोवाइड नहीं की गई है, वो वहां पे जो गैप दिखता है यू कॉल इट एज द लैप। सो या मशीनरी बोला। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ बैट्स, वी हैव द थ्री क्वार्टर ब्रेड बैट। सो ये आपका ये है, तो इसमें आपका 3x4 आपकी लेंथ को काटा गया है ब्रिक्स में मशीन। देन वी हैव दिस टाइप ऑफ बैट, वी हैव L/2, इज कॉल एज द हाफ बैट। Then we have the queen closure. I've already told you about it. Queen closure कैसा होता है? Queen closure कैसा होता है? Then bricks की आपकी जो dimensions जो है आपकी, जो आपकी different parts जो होते हैं, call it as the frog आपका मैंने बता दिया, आपका upper part में header आपका ये हो गया, then stretcher, then bed आपका lower base हो गया, then arises arises आपका रहता है कि ये आपके जो तीनों के तीनों आपके length bed height जो रहती है, call it as the arises. So these are the different terms that we use in the brick machinery. So I think that is all for today. Then in the next class we will talk about the brick machinery in detail and the requirements of a good machinery and some terminologies also. So